हे गाइस वेलकम बैक, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं ईवी माइंड। तो आज हम बात करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं एम्पेयर प्राइमस वर्सेस एथर 450X थर्ड जनरेशन। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। तो देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस्ट है और आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो अब हम बात करते हैं और कंपेयर करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की। अगर रेंज की बात करें तो एम्पेयर प्राइमस में आपको 107 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसको कंपेयर करें एथर 450X थर्ड जनरेशन से तो यहाँ पे आपको 105 की रेंज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 100 से अबव की रेंज देखने को मिल रही है, एम्पेयर प्राइमस में 107 की और एथर 450X थर्ड जनरेशन में 105 की। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बहुत ही जबरदस्त रेंज देखने को मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें टॉप स्पीड के बारे में तो एम्पेयर प्राइमस में आपको 77 के एमपीएच की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसको कंपेयर करें एथर 450X थर्ड जनरेशन से तो एथर 450X थर्ड जनरेशन में आपको 90 के एमपीएच की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो टॉप स्पीड दे रखी है वो बहुत ही अच्छी खासी है। अगर आप सिटी के हिसाब से देखें तो सिटी के हिसाब से एकदम परफेक्ट टॉप स्पीड है। सिटी के हिसाब से अगर 50 या 60 की भी टॉप स्पीड आपको मिल रही है किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो वो बहुत ही अच्छी खासी टॉप स्पीड मानी जाती है। और यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो टॉप स्पीड दे रखी है बहुत ही अच्छी खासी दे रखी है। तो अब हम बात करते हैं इनके मोटर के बारे में। अगर हम बात करें मोटर के बारे में तो एम्पेयर प्राइमस में आपको 4 किलो वॉट का मोटर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें एथर 450X थर्ड जनरेशन से तो एथर 450X में थर्ड जनरेशन में आपको 6.2 किलो वॉट का मोटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको PMSM मोटर देखने को मिल रहा है। और PSM मोटर क्या होता है? AC मोटर। आपका दो मोटर होता है, एक AC मोटर होता है, एक BLDC मोटर होता है। जो AC मोटर होता है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द BLDC मोटर। और जो ऑफ लोडिंग में अच्छा मोटर माना जाता है, मतलब सड़कों पर अच्छा परफॉर्मेंस दे और ऑफ लोडिंग में मतलब आपको अच्छा पिकअप दे और अच्छी रेंज दे और अच्छा परफॉर्मेंस दे, वो होता है AC मोटर। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको AC मोटर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। अगर हम बात करें बैटरी के बारे में तो एम्पेयर प्राइमस में आपको 3 किलो वॉट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी। एम्पेयर प्राइमस में आपको LFP केमिस्ट्री की बैटरी देखने को मिलेगी। अगर हम इसको कंपेयर करें एथर 450X थर्ड जनरेशन से तो एथर 450X थर्ड जनरेशन में आपको 3.7 किलो वॉट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एथर 450X थर्ड जनरेशन में आपको NMC बैटरी देखने को मिलेगी, एम्पेयर प्राइमस में आपको LFP देखने को मिलेगी और एथर 450X में आपको NMC देखने को मिलेगी। LFP ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द NMC। अगर आपको नहीं पता कौन सी बैटरी अच्छी होती है और इसका कंपैरिजन वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक डाल दी है NMC वर्सेस LFP की। आप देख सकते हैं कौन सी बैटरी अच्छी होती है LFP की NMC। तो अब हम बात करते हैं इसकी एस्केलेशन पावर के बारे में। अगर हम बात करें एम्पेयर प्राइमस की तो एम्पेयर प्राइमस 0 to 40 जाने में 4.2 सेकंड का वक्त लेता है। अगर हम इसको कंपेयर करें एथर 450X थर्ड जनरेशन से तो एथर 450X थर्ड जनरेशन 0 to 40 जाने में 3.3 सेकंड का वक्त लेता है। यहां पे एथर 450X बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर टू द एम्पेयर प्राइमस। इसकी एक्सलेशन पावर भी ज्यादा है, मोटर भी अच्छा है, यहाँ पे आपको मोटर भी अच्छा मिलेगा और यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो एम्पेयर से काफी अच्छी है। तो अब हम बात करते हैं चार्जिंग के बारे में। अगर चार्जिंग की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी वारंटी के बारे में। अगर हम बात करें वारंटी के बारे में तो एम्पेयर प्राइमस में आपको बैटरी मोटर और स्कूटर की जो वारंटी है वो 3 साल की मिलेगी 30,000 किलोमीटर पे। अगर हम इसको कंपेयर करें एथर 450X थर्ड जनरेशन से तो एथर 450X में जो आपको बैटरी वारंटी है वो 5 साल की मिलेगी 60,000 किलोमीटर पे और यही मोटर की भी वारंटी है। अगर स्कूटर वारंटी की बात करें तो 3 साल की मिलेगी आपको 30,000 किलोमीटर पे।
तो अब हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में, मतलब वुड स्पेस के बारे में। अंडर द सीट स्टोरेज आपको कितना देखने को मिल जाएगा, एम्पेयर प्राइमस में आपको 22 लीटर का देखने को मिल जाएगा। और इसको हम कंपेयर करें एथर 450X थर्ड जनरेशन से, तो एथर 450X थर्ड जनरेशन में आपको 22 लीटर का वुड स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो स्टोरेज है अंडर द सीट स्टोरेज वो सिमिलर है। तो अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। अगर वेट की बात करें तो एम्पेयर प्राइमस में आपको 110 केजी का वेट देखने को मिल जाएगा और एथर 450X थर्ड जनरेशन में आपको 112 केजी का वेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वेट का फायदा क्या होता है, जितना ज्यादा वेट होता है गाड़ी उतनी स्ट्रांग होती है और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है उतनी अच्छी भी मानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। अगर प्राइस की बात करें तो एम्पेयर प्राइमस का जो प्राइस है वो है 1,10,000। अगर हम इसको कंपेयर करें एथर 450X थर्ड जनरेशन से, तो एथर 450X थर्ड जनरेशन का जो प्राइस है वो है 1,55,000। तो अब हम बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की और आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। अगर हम बात करें डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की बहुत ही सॉलिड है, बट यहाँ पे एथर 450X थर्ड जनरेशन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू द एम्पेयर प्राइमस। अगर बात करें यहाँ पे हम भाई आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं, तो ये तो भाई आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आपका कितना बजट है। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए में आपको बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल जाएंगे। तो ये था छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।